हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 12th क्लास। आप सभी को खैर मकदम यहाँ पे है, स्वागत है, वेलकम है। तो आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12th की उर्दू कहकशां हिस्सा दो, ठीक है ना। और ये 100 नंबर वाला उर्दू है। आपको मैं पहले बता दूं, क्लास 12th में 100 नंबर और 50 नंबर का दो उर्दू पढ़ना होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है 100 नंबर का उर्दू लेते हैं और डिमांड भी उनका यही है, ठीक है ना। तो फिर जब पहले कुछ ये कर लूँ, फिर उसके बाद 50 नंबर भी करवा दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में, इस क्लास में जो है कहकशां का उर्दू जो दो है ना, क्लास 12th 100 नंबर का, उसका जो है पहला चैप्टर हमको पढ़ना है, नज़ीर अहमद की कहानी, लेसन का नाम है और ये है खाका। आपने क्लास 10th में अफसाना पढ़ा है, गज़ल पढ़ा है, नज़म पढ़ा है, मसनवी पढ़ी है, पढ़े मरसिया पढ़े, लेकिन ये खाका क्या होता है, तो शॉर्ट से समझते हैं खाका क्या, व्हाट इज़ खाका। खाका जस्ट लाइक एक ऐसी ऐसा है जो किसी भी, जैसे कि मैं किसी के को देख रहा हूँ ना, उसकी शख्सियत को देख रहा हूँ, उसकी उसके करेक्टर को देख रहा हूँ, उसके रहन सहन को देख रहा हूँ, और उसका मतलब किसी ज़िंदगी के एक इम्पोर्टेंट पहलू जिससे कि उसका रहन सहन, उसकी शख्सियत मालूम हो जाए, और उसी बात को हम अगर लिख दें तो क्या कहलाता है, वो खाका कहलाता है। समझ आ रही मेरी बात, यानी कि किसी भी इंसान की शख्सियत को बयान करना, उसके किरदार को बयान करना, कुछ खाका में कुछ मजाहिया टाइप का भी हो, थोड़ा सा मज़ा आ जाए पढ़ने में, ज़्यादा गमगी भी ना हो, ज्यादा मजा भी ना हो, मतलब पढ़ने वाला कोई बोरिंग महसूस ना करे ना, मतलब उसको इंटरेस्ट आ जाए, बड़ा मजेदार इसमें भी इंटरेस्ट की कहानी बताई गई है, ठीक है ना। और ये जो खाका है, ये सबसे पहला खाका है उर्दू में, उर्दू का सबसे पहला खाका, उसका नाम है नज़ीर अहमद की कहानी। इसका पूरा नाम है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी, ठीक है ना। नज़ीर अहमद जो नॉवेल निगार बोलते हैं ना, नॉवेल का बहुत, नॉवेल निगार बहुत बड़े नॉवेल निगार है नज़ीर अहमद, तो आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। तो नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी जबानी, ये चैप्टर का नाम है, शॉर्ट में यहाँ पे दिया हुआ है। ये याद रखेंगे 1927 में जो है मुसन्निफ जो है ना, ये मिर्जा फरतुल्ला बैग, इन्हीं की लिखी हुई नज़ीर अहमद की कहानी, यानी कि खाका लिखने वालों को क्या बोलते हैं, खाका निगार बोलते हैं, ठीक है ना। और जो लिखा है उन्होंने नज़ीर अहमद की कहानी, वो खाका खाका है वो, और जो लिखने वाला उसको क्या बोलते हैं, खाका निगार बोलते हैं। जैसे कि वो अफसाना लिखने वाले को अफसाना निगार बोलते हैं। मुसन्निफ किसको कहते हैं, मुसन्निफ का मतलब राइटर। अब वो गजल लिख रहा कि नज़म लिख रहा कि मसनवी लिख रहा कि मरसिया लिख रहा कि दास्तान लिख रहा कि अफसाना लिख रहा कि खाका, सब में आ जाएगा मुसन्निफ। लेकिन अगर अफसाना लिख रहा तो उसको अफसाना निगार कहते हैं, कोई मजमून लिख रहा तो मजमून निगार कहते हैं, कोई मरसिया लिख रहा तो मरसिया निगार कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे खाका लिखा है इन्होंने, तो किसको क्या बोले, खाका निगार बोलो, मुसन्निफ बोलो, बात बराबर है, ठीक है। लेकिन सबको खाका निगार नहीं बोल सकते ना, जो खाका लिखते हैं उन्हीं को बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब मुसन्निफ में सब आ जाएगा, यानी कि मुसन्निफ एक कॉमन है, समझ लो कि क्या बोलते हैं, इसमें नकरा बोलो वो, है ना। और अगर मैं आ जाऊँ खाका में, तो खाका एक स्पेशल बन जाता है, कोई गजल लिखने वाला स्पेशल हो गया, कोई मरसिया लिखने वाला हो गया, तो खाका हो गया। तो याद कीजिएगा, सबसे उर्दू का पहला खाका कौन है, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी, और सबसे पहला खाका निगार कौन है, तो वही है मिर्जा फरतुल्ला बैग, जो नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी जो है वो लिखने वाले हैं। और ये मैं बता दूं, नज़ीर अहमद के जो ना ये जो है शागिर्द रहे, शागिर्द, ओके, शागिर्द रहे, शागिर्द मतलब चेला, स्टूडेंट रहे, और नज़ीर अहमद जो है फरतुल्ला बैग के उस्ताद रहे। सवाल आता है उर्दू में, पूछता है, मेरे ख्याल से आपकी किताब में पहले ही सवाल होगा कि मिर्जा फरतुल्ला बैग नज़ीर अहमद के कौन थे, शागिर्द थे या उस्ताद थे या दोस्त थे, तो कौन थे, शागिर्द थे, ओके। आगे हम सबसे पहले तो हम नज़ीर अहमद के फरतुल्ला बैग के बारे में जानते हैं, क्योंकि जिस तरह से क्लास 10th में आपने पढ़ा ना कि मुसन्निफ से लेकर ज़्यादा सवाल पूछा था, मुसन्निफ उनकी पैदाइश कब हुई, उनकी वफ़ात कब हुई थी, उन्होंने क्या क्या तालीम हासिल की, कहाँ उनका ज़िंदगी का मेन पहलू जो दिया होता ना किताब के फ्रंट पेज में, उसके राइटर के बारे में, उससे ज़्यादा सवाल बनता है। और अगर आप स्टोरी पढ़े होंगे तो स्टोरी से भी थोड़ा सवाल पूछता है, ठीक है ना। तो हम स्टोरी भी समझेंगे, लेकिन पहले हम ये पूरा इनका जो बायोडाटा समझ लेते हैं। उर्दू का पहला खाका समझ में आ गया आपको, कौन सा खाका है, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी, खाका निगार पहला कौन है, मिर्जा फरतुल्ला बैग। अब यहां देखते हैं उनके जद्दे अमजद, जद्दे अमजद बोलते हैं एंसेस्टर, पूर्वज, दादा पर दादाज को बोलते हैं। जद्दे अमजद जो है बदख्शां से तर्क वतन करके, है ना, मतलब समझ रहे, बदख्शां से तर्क वतन करके, वतन है, ठीक है, तर्क वतन करके, यानी कि बदख्शां जो है ना अफगानिस्तान में एक शहर का नाम है बदख्शां, जैसे हमारे हिंदुस्तान में कैसे शहर का नाम है, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, उस तरह से वहाँ एक शहर का नाम है बदख्शां। तो बदख्शां से तर्क वतन करके, वो वतन को छोड़ करके माइग्रेट होकर के, है ना, कहाँ चले आए,
हिंदुस्तान चले हैं, और उस समय जो है इनका शासन था शाह आलम सानी का, ठीक है, शाह आलम सानी का शासन था, हिंदुस्तान चले हैं और फौज में मुलाजिम हो गए, जंद अमजद मतलब उनके दादा परदादा कोई होंगे जो बदख्शां से वहां से वतन छोड़ करके चलाए कहां हिंदुस्तान चलाए, और जो है फौज में जो है मुलाजिम हो गए, नौकर मतलब मुलाजिम बोलो, फौज में नौकरी उनको लग गया। उनके दादा का नाम यहां पे दिया हुआ है मिर्जा अब्दुल्ला बैग, सवाल पूछ सकता है याद रखें मिर्जा अब्दुल्ला बैग जो है उनके दादा का नाम है। आगे है उनकी पैदाइश जो है फरतुल्ला बैग के मुताबिक, यानी कि किताब में ना फरतुल्ला बैग की पैदाइश का दो डेट दिया हुआ है, दो डेट, और दोनों डेट सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन एक डेट जो है सही डेट तो वही होगा ना, जैसे मैं अगर मेरे से कोई पूछे कि आपकी पैदाइश कब है और मैं बताऊं और कोई और मेरे बारे में बता रहा, तो सबसे ज्यादा सटीक किसको मानोगे आप, जो मैं बताऊंगा, जाहिर सी बात जिसके बारे में पूछ रहे हैं जो पैदा हुआ अगर उसी से पूछूं वो सही बताएगा तो वही हकीकत होगा ना। तो यहाँ पे देखिए उनकी पैदाइश जो है फरहत के मुताबिक, यानी कि फरतुल्ला बैग के मुताबिक जो है 1885 में, और लेकिन कहाँ हुई थी ये देखिए मोहल्ला चूड़ी वालान दिल्ली में। तो सवाल पूछ सकता है कि मिर्जा फरतुल्ला बैग की पैदाइश कब हुई थी, 1885 में दिल्ली में हुई थी, लेकिन कुछ तस्करा नवेशों के मुताबिक जो 1883 में आता, यानी कि जो तस्करा करते हैं जो मिर्जा फरतुल्ला बैग के बारे में लिखते हैं वो बताते हैं कि 1883 में उनकी पैदाइश हुई थी, लेकिन सही और दुरुस्त कौन होगा, जो फरतुल्ला बैग बता रहे हैं ना, मिर्जा फरतुल्ला बैग खुद बयान करते हैं कि मेरी पैदाइश जो है 1885 में चूड़ी वालान मोहल्ला दिल्ली में पैदा हुए थे, ठीक है ना, इतना तक क्लियर हो गया। उनके वालिद का नाम जानते हैं, इनके वालिद का नाम है मिर्जा हशमतुल्ला बैग, ठीक है ना, दादा का नाम याद करें मिर्जा अब्दुल्ला बैग, इसका नाम क्या है मिर्जा हशमतुल्ला बैग, तो यहाँ पे अब्दुल्ला हो गया हसमतुल्ला हो गया, इस तरह से ध्यान रखेंगे, यहाँ पे फरतुल्ला है, ठीक है ना, कन्फ्यूजन नहीं होना, हसमतुल्ला बैग, और उनके वालदा का नाम है मुसर्रत जहां बेगम, और इनके फूफी का नाम दिया हुआ है हसन जहां हुस्न जहां बेगम, ठीक है ना। बताया जाता है कि जब मिर्जा फरतुल्ला बैग की पैदाइश हुई थी उनके 10 दिन पैदा होने के 10 दिन बाद जो है उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था, ठीक है ना, तो इंतकाल होने के बाद उनकी परवरिश किसने की, हुस्न जहां बेगम, है ना, हमने सुहैल अजीम आबादी के बारे में पढ़ा था कि उन पैदा होने एक साल बाद उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, तो फिर वो नानी ननिहाल में पैदा पले पोसे परवरिश हुई थी और आज इतने बड़े अफसाना निगार बन गए, है ना, हम लोग पढ़ते हैं उसको, इनके भी देखिए, है ना, इनकी वालदा का इंतकाल हो गया था 10 ही दिन बाद, और फिर उनकी जो फूफी जान थी हुस्न जहां बेगम उनकी वो परवरिश की थी, ठीक है ना। तो और इनकी जो पहली जो तालीम जो हुआ ना, जो दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास एक बूढ़े वली रहते थे, उन्होंने इसको बिस्मिल्लाह करवाया, तालीम शुरू की, ठीक है ना, तो समझ सकते कहाँ से कहाँ दुनिया, मतलब जब उनकी वालदा का इंतकाल हो गया तो सोचो 10 दिन का बच्चा, और आज खाका निगार ही है, निगार है उर्दू का पहला खाका निगार, है ना, बहुत ही प्राउड वाली बात है। अच्छा आगे इनके बारे में देखते हैं कि गवर्नमेंट हाई स्कूल कमिश्नरी दरवाजे से मैट्रिक पास किया, ठीक है ना, गवर्नमेंट हाई स्कूल कमिश्नरी दरवाजे से मैट्रिक पास किया, और 1903 में जो है हिंदू कॉलेज से इंटरमीडिएट पास किया था, ठीक है ना। तो सवाल पूछ सकता है कि उन्होंने इंटरमीडिएट किस कॉलेज से पास किया, 1903 में पास किया था हिंदू कॉलेज से, ठीक है ना। आगे यहाँ पे है कि हैदराबाद के एक स्कूल में जो अंग्रेजी के मुअल्लिम भी उन्होंने, अच्छा यहाँ पे एक और पॉइंट है कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीए और एमए पास किया, ठीक है ना, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, कॉलेज का नाम पूछ सकता है लेकिन आप याद करें थोड़ा सा, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ज्यादा सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इनका असल नाम, इनका जो नाम हो गया, पिता वालिद का नाम हो गया, वालदा का नाम हो गया, इनकी पैदाइश इनकी वफात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वफात लास्ट में। आगे बोलता क्या, हैदराबाद में एक स्कूल में अंग्रेजी में मुअल्लिम बने, मतलब अंग्रेजी के शिक्षक बने, इंग्लिश टीचर बने, उसके बाद देखिए कितने बड़ी बड़ी मुकाम इन्होंने हासिल किए, 1908 में हाई कोर्ट में मुतरजिम हुए हैं, हाई कोर्ट में मुतरजिम हुए, ठीक है ना, मतलब हाई कोर्ट समझ रहे ना, हाई कोर्ट में मुतरजिम के मतलब हुआ ट्रांसलेटर, है ना, उसको क्या बोलते हैं, अनुवादक बोलते हैं, जो राइट चेंज हिंदी को उर्दू में बदल देना, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना, ट्रांसलेटर समझो, ठीक है ना, तो ट्रांसलेटर जो है हाई कोर्ट में ट्रांसलेटर हुए 1908 में। उसके बाद 1939 में हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर बने, गजब की बात है ना, 1908 में हाई कोर्ट में मुतरजिम हुए और फिर 1939 में हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर बने थे। ये सवाल पूछा जा सकता है कि इंस्पेक्टिंग अफसर कब बने थे, 1939 में, डेट याद कीजिएगा, 1908 में जो हाई कोर्ट में मुतरजिम बने थे। ओके आगे यहाँ पे है, 1908 में उनकी शादी हो गई, चाचा की बेटी थी साजिद, उसका चाचा का नाम है साजिद बेग, है ना,
मिर्जा फखरुद्दौला बैठ गया, उनकी बेटी का नाम था नसीमा सुल्ताना। तो याद करें कि मिर्जा असदुल्ला खां, मिर्जा असदुल्ला, मिर्जा फखरुद्दौला, मुझे गालिब के नाम याद, मिर्जा फखरुद्दौला बैग है ना, इनकी शादी जो है, दो शादी हुई थी। तो पहली जो शादी हुई थी उनके चचा जो थे साजिद बैग है ना, उनकी बेटी सलीमा नसीमा सुल्ताना से, ठीक है ना, नसीमा सुल्ताना की बहन, नसीमा सुल्ताना की बहन से इनकी दूसरी शादी हुई थी, उनकी नाम, उनका नाम था हमीदा सुल्ताना। ओके, तो याद कर लीजिएगा कि इनकी दो वाइफ थी और दोनों बहन ही थी, नसीमा सुल्ताना और हमीदा सुल्ताना। तो पहले इनकी शादी हुई थी, इससे हुई थी। उसके बाद इनका इंतकाल का वक्त देता है, इंतकाल का डेट, इंतकाल 27 अप्रैल 1947 को, मतलब आज़ादी से थोड़ा दिन पहले है ना, थोड़ी महीने पहले। तो याद कर लीजिएगा इनका इंतकाल का डेट और पैदाइश की डेट, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनकी शादी किससे हुई थी, पहली वाइफ के नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इन्होंने हाई कोर्ट में मुतरजिम कब पास किया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वालिद का नाम, वालदा का नाम, कहाँ पैदा हुए, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, और आगे देखें यहाँ पे इनके यादगार तहरीर, यानी कि इन्होंने जो लिखा, इन्होंने जो लिखा यादगार तहरीर कौन है, दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, ये लिखा इन्होंने, तहरीर किया, फूल वालों की शेर। सवाल पूछा जा सकता कि ये फूल वालों की शेर किसकी लिखी हुई है ना, दिल्ली का एक यादगार मुशायरा किसकी लिखी हुई है, तो याद कीजिएगा मिर्जा फखरुद्दौला बैग। आगे इन्होंने मजमून भी लिखा है, और उन मजमून में कुछ मजामीन यहाँ पे जो जो खास था, बहुत सारे मजामीन लिखे हैं, बहुत सारे मजमून लिखे हैं, तो उनमें से एक था मजामीन फरहत है ना, मजामिन फरहत, फरहत का मजामिन, मजामिन फरहत का मतलब हुआ वो सात जिल्दों में जो है शाये हुआ, सात जिल्द मतलब सात मोटी मोटी किताबों के रूप में है ना, एक किताब में सात जिल्द में, सात किताब के रूप में शाये हुआ। तो याद करेंगे मजामिन फरहत, ऐसे तो याद रहेगा मजामिन फरहत किनकी लिखी हुई है, किनकी किनका मजामून मजामिन है, तो याद कीजिएगा मिर्जा फखरुद्दौला बैग। इनके किताबों का नाम याद कर लीजिएगा, सवाल पूछा जा सकता है, इंशा, दीवान यकीन, दीवान नजर, दीवान दास्तान, मेरी दास्तान मेरी शायरी। ये रहा मिर्जा फखरुद्दौला बैग के बारे में पूरा बायोडाटा, जो इनकी पैदाश वगैरह के लेकर के। अब इन्होंने जो खाका लिखा, खाका किस पे लिखा, मिर्जा नज़ीर अहमद, ये है इनके उस्ताद थे, यानी कि इनके पास पढ़ते थे, उनकी शख्सियत को देखा, उनके कैरेक्टर को देखा, उनके पढ़ाने के अंदाज को देखा, उनके गुस्सा को देखा, उनके प्यार को देखा, और उन्हीं बातों को ना लिख दिया। अब जब उससे पहले जब इन्होंने खाका जब लिखा ना, जब खाका लिखा, उससे पहले खाका नहीं चलता था, लोग जानते थे अफसाना होता, ये होता, वो होता, खाका नहीं चलता। लेकिन जब इन्होंने खाका लिखा, और ये जब लिखा नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, इतना फेमस हुआ, इतना मशहूर हुआ, एक मुस्तहकम मतलब एक मुकाम हासिल कर लिया, कि आने वाले टाइम उसके बाद जो है ना सैकड़ों जो है ना खाका निगार बन गए हैं, अपने आप में खाका निगार बन गए, मतलब उन्होंने भी लिखना शुरू किया इस सिनफ में, अपना मुकाम हासिल करें, जैसे गजल लिखते, गजल निगार बहुत सारा हो गया, अफसाने निगार बहुत सारा हो गया, तो लेकिन पहले खाका निगार ये था, इनके बाद से बहुत सारे खाका निगार देखे, इतना प्रचलित हो गया। तो चलिए थोड़ी से उस कहानी को पढ़ते हैं, मिर्जा फखरुद्दौला बैग क्या बयान करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, अपने उस्ताद के बारे में क्या बयान करते हैं, और ये आज उस्ताद के ही बारे में खाका निगारी आपके सामने पेश कर दिए, तो हम भी थोड़ा सा आपको सुना देते हैं, बहुत ही मजा आने वाला, इसका स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि इस खाका में चार मेन कैरेक्टर हैं, और जो सबसे ज़्यादा जो मेन कैरेक्टर है वो आप याद रख लें, मिर्जा फखरुद्दौला बैग है ना, मिर्जा फखरुद्दौला बैग, ये जो है मेन। तो खुद अपनी कहानी पढ़ा बताते हैं कि मैं जब नज़ीर अहमद के उस्ताद जो है नज़ीर अहमद उसके पास जब पढ़ रहा था, तो उसकी क्या राय रहा, उसका क्या पढ़ाने का तरीका कैसा रहा है, उसके पास कैसे पढ़े, उनकी शख्सियत कैसी थी, उनका बयान करते हैं, ठीक है ना। और उनका एक जिगरी दोस्त है ना मियाँ दानी, याद कर लीजिएगा कि जिगरी दोस्त, यानी कि दोस्त के नाम से समझो कि मिर्जा फखरुद्दौला बैग के साथ कौन पढ़ते थे नज़ीर अहमद के पास, मियाँ दानी। और उनका एक क्लासमेट था, इसको क्या बोलते हैं, क्लासमेट बोलते हैं ना, क्लासमेट था मिर्जा रजा, मिस्टर रजा। ओके, और एक तो हो गया नज़ीर अहमद, ये चार कैरेक्टर यहाँ पे दिखाया गया है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है, मैं कहानी एकदम शॉर्ट करके बताऊंगा, हालांकि बहुत सारा लंबी है, बातें तो बहुत काफ़ी हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट में बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। इसमें होता यह है कि मियाँ दानी और मिर्जा फखरुद्दौला बैग, ठीक है ना, वो जो है 11 बजे मदरसे से पढ़ के आते हैं, और फिर इनका जो टाइम है ना, मतलब बताता यह है कि 1:30 बजे से 5 मिनट पहले जो है वो नज़ीर अहमद के घर पहुँच जाते हैं पढ़ने के लिए, घर में ही पढ़ जाते हैं, मदरसा तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन वह मदरसा पढ़ का है, उसके घर में चले गए पढ़ने के लिए घर में गया, तो एक बीच चमारी नाम की कोई रहती है वहाँ पे, रस्सी वगैरह बांध रही है, ठीक है ना, बीच चमारी नाम कोई आदमी रहता है, रस्सी उसी बांध रहा था, ठीक है ना।
तो वहां पे गया, जैसे घर होता कैसे होता, घर है, घर के पहले दरवाजा है, एक क्या उसको बोलते हैं, दरोजा बोलते हैं ना, ठीक है, उसका फिर बरामदा है, फिर अंदर रूम है, कमरा है, ऐसे होता है, आंगन है, फिर कमरा है, ऐसे है। तो जो बाहर वाला दरवाजा के जो बगल दरवाजा वाला जो रूम था ना, जिसको दरोजा बोलते हैं, वहां पे जाके बैठ गया। अब इंतजार कर रहा, फिर जैसे घंटी बजा तो उन्होंने बोला कि हम जो है, जैसे घंटी बजा उनका तो हम जो है चोर की तरह अंदर गए। अब इतना छोटा दरवाजा बोलता, बहुत छोटा था, जिसमें हमको सर झुका कर जाना पड़ता था। ये अदब है, जब हम उस्ताद के पास जाते हैं पढ़ने के लिए तो हमें जो है सर झुका के जाना चाहिए। तो ये अदब हमको प्रैक्टिकली बताया जा रहा है, ठीक है ना, कि जब हम जब जा रहे थे तो उसका दरवाजा ही छोटा था, जिस वजह से हमको जो है सर जो है झुका के अंदर जाना पड़ रहा था, ठीक है ना। अंदर झुका के जब गए तो जो मास्टर जी थे, यानी कि जो मिर्जा नजीर अहमद जो थे, ओके, वो जो है उठ के बैठ गए, ओके, उठ के बैठ गए। तो पूछा कौन है, जैसे अंदर आया तो बोला कौन है, तो आवाज़ तो पहचानते थे, तो बोला मुझे तसल्ली हुआ, मिर्जा फतुल्ला भाई बोलते हैं, मुझे तसल्ली हुआ कि हाँ चलो मास्टर साहब भी यहाँ पे हैं, ओके। तो जब पता चला कि अच्छा ये है, ये दोनों आया, मिर्जा फतुल्ला भाई और मियाँ दानी पढ़ने के लिए, तो बोला आओ आओ बेटा बैठो बैठो। बैठने लगे तो पूछा क्या तुम क्या पढ़ते हो, तो इन्होंने किताब बढ़ा दिया, अपनी किताब बढ़ा दिया। तो दो किताब थी, एक इनके पास थी, किताब इनके पास था, तो एक किताब उनको दे दिया, है ना, मास्टर जी के पास, यानी कि नज़ीर अहमद के पास, एक किताब खुद रखा, दोनों पढ़ते थे उसी में से, दोनों पढ़ते थे। तो बोला गया कि दोनों मिलकर उसी से पढ़ते थे, एक ही किताब से दोनों पढ़ते थे, आज ये तो कल ये, इसका इसका शरारती आगे बताता अपने शरारत बारे में, कि आज मैं पढ़ता था, कल वो पढ़ता था, परसों वो, तरसों हम, मतलब एक एक दिन छोड़ छोड़ के दोनों पढ़ते थे, हम बैठे रहते थे, फिर वो पढ़ता था, फिर वो बैठे रहते थे, मतलब इस तरह से पढ़ते थे। और मतलब बोला कि इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया, पढ़ाते थे, मतलब लगता ही नहीं था कि हम पढ़ कर गए, लेकिन जो भी पढ़ करके आते थे ना वो एकदम सेव रहता था। अब जैसे स्कूल गया, खुशी खुशी आ रहा जा रहा, पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं, स्कूल गया तो मास्टर साहब यानी कि मिर्जा नज़ीर अहमद जो है ना, डिप्टी नज़ीर अहमद जो है, इसके बारे में एकदम तारीफ़ों का पुल बांध दिया कि मेरे मास्टर साहब ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं। तो पूरा जो हिंदू कॉलेज जहाँ पे पढ़ रहे थे, हिंदू कॉलेज में पूरी चर्चा हो गया, उसमें से एक मिस्टर रजा, इनको दिल लग गया इनकी बातों से, और उनको अच्छा लगा, चलो यार मैं भी पढ़ता हूँ। तो पूछने लगे, यार चलो मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, आप अपने मास्टर से, यानी कि अपने जो सर है, जो तुम्हारा जो है ना, उनसे थोड़ा सा पूछ सकते हो कि क्या मैं भी आ सकता हूँ पढ़ने के लिए। तो इन्होंने बोला हाँ यार चलो कोई दिक्कत नहीं यार, हम लोग दो पढ़ रहे हैं, एक और पढ़ लेगा, क्या दिक्कत है। बोला नहीं यार, एक बार पूछ लेते ना, मतलब अच्छा लगता है, एक बार उनसे पूछ लेते क्या मैं भी जा सकता हूँ पढ़ने के लिए। तो बोला ठीक है, तो ऐसा कर रहे हो तो ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। फिर जब गया एक दिन पढ़ने के लिए गया, तो उनसे पूछ लिया कि एक लड़का है मिस्टर रजा नाम करता, और वो पढ़ना चाहता है, और वो आपकी इजाज़त के बिना नहीं आना चाहता है। तो बोला क्या दिक्कत है, ठीक है, उसको तो लेते आना चाहिए था, उसको दिक्कत क्या था। तो फिर वो बोला कि यार सर बड़ा शर्मीला है। अब इनके बाद ना एक जो जुमला बोला ना, बहुत सोचने वाली बात है, नज़ीर अहमद साहब बोलते हैं कि तालिब इल्म शर्मीला हो और डूबा, मतलब जो तालिब इल्म में जो स्टूडेंट, अगर वो शर्मीला होगा ना पढ़ने के मामला में, अगर स्टूडेंट शर्मीला है तो वो डूबा, मतलब वो कुछ नहीं कर पाएगा पढ़ने के मामले में। आपको शर्मीला नहीं होना है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको कुछ भी ऐसा होता है तो आप बेझिझक पढ़ने के मामले में एकदम फ्री हो जाइए, एकदम कोई शर्मीला नहीं होना है। वही बोलते हैं पढ़ने के मामले में शर्मीला तो डूबा, है ना। तो ये सब बातें जो है फिर जाकर उनको बताता, ठीक है तुम सर इजाज़त दे दिया, चलो चलो पढ़ने के लिए चलो। तो बोला जाए लेकिन 1:30 बजे से 1 मिनट पीछे मत होना, नहीं तो अंदर घुसने नहीं मिलेगा, एकदम टाइम पे आ जाना। देखता है जब वो दोनों मियाँ दानी और फरतुल्ला बैग जो कल होकर जब आते हैं, तो ये पहले से खड़ा रहता है गेट के पास, मतलब पहले से पहुंच गया। ऐसे भी अक्सर होता है ना, जब कहीं पढ़ने के लिए जाते हैं तो पहले पहले दिन जब रहता है, जब क्लास पढ़ने के लिए जाते हैं कहीं, तो पहले पहले दिन रहता है, आधा घंटा पहले जाके पहुंच जाते हैं ना, याद है आपको, हमको भी याद है, आधा घंटा पहले जाकर चल गए दम, और भी दम सज धज के दम पूरा दम एकदम कंघी मार करके दम पूरा अच्छे तरीके से पहन वहन के दम पहला दिन ना बहुत, उसके बाद फिर तो आम हो जाता है, ठीक है ना। तो पहले पहुंच गया, अंदर दाखिल हुआ तो फिर बोला लाओ किताब लाओ, तो किताब ताक पे रखा हुआ था, चूंकि एक किताब तो उनको दे दिया था ना पढ़ाने के लिए। तो फिर देखा है मियाँ मिस्टर रजा, बोला अच्छा, नज़ीर अहमद साहब बोलता अच्छा यही है मिस्टर रजा। तो बेचारा सर झुका कर बोलते हैं जी सर। फिर आगे जा कर के फरतुल्ला बैग फरमाते हैं कि मेरा पढ़ने का कुछ अलग ही अंदाज था हम लोग का, एक किताब है तो है ही थी, है ना, एक दिन वो पढ़ता था एक दिन हम पढ़ते थे, चुप चुपचाप से चिपके रहते थे, बैठे रहते थे। लेकिन जब ये ज़्यादा दिन हो गया तो बोला यार भाई तुम कर क्या रहे हो, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, फरतुल्ला मियाँ दानी तुम पढ़ते क्यों नहीं हो।
तो जब साथ में आ रहे थे पढ़ने के लिए ना, वो एक ये भी था, मिस्टर रजा भी साथ में था, तीनों पढ़ने के लिए आ रहे थे। तो बोला चलो मिस्टर रजा तुम ही शुरू करो। तो मिस्टर रजा यहाँ पे शुरू करते हैं। अब एराब की गलतियां, एराब बोलते ना जो जबर जेर पेश को, उसको बोलते एराब। एराब बोलता कि मिर्जा फतुल्ला बेग बोलते एराब की गलतियां तो मुझसे कम की, लेकिन नजम को नसर कर दिया। नजम को नसर का मतलब जैसे कि एक है ना, जैसे कि लब पे आती है दुआ बन के, कैसे गाते हैं नजम है, लब पे आती है दुआ बन के, नजम की तरह गाते हैं। अब उसको गा, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अच्छा लग रहा। अब वही कोई गाता है लब पे आती है दुआ, तो ये नजम जो टाइप का बन रहा, और उसको कोई नसर करके पढ़ दे, तो भाई साहब नजम को उन्होंने नसर करके पढ़ दिया। एराब की गलती तो कम की, एराब के मतलब वो ना जिसको बोलते हैं ना हम लोग, जैसे देखें ये है मुल्क, इसको मुल्क भी कहीं पढ़ते हैं, कभी इसको मिल के भी पढ़ते हैं, कहीं इसको मलक भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं एराब, कहीं उवाव है, कहीं पेश है, कहीं जेर है, कहीं जबर है। तो कभी कभी इसको मुल्क भी पढ़ते हैं, है ना, कभी मिल के भी पढ़ते हैं, जैसे देखिए आयन लामिम, कभी इसको अलम भी पढ़ते हैं, कहीं इसको इल्म भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये सब एराब की मिस्टेक होता है। अगर इल्म है तो ठीक है, आलम भी ठीक है, वो अपने अपने जगह पे। तो इन्होंने क्या किया, एराब की गलती तो कम की मिस्टर रजा, लेकिन नजम को नसर कर दिया। अब नजम को नसर कर दिया तो भाई साहब नज़ीर अहमद साहब तो एकदम चौकन्ना हो गए। उन्होंने बोला कि वाह वाह, क्या गजब का शागिर्द है मेरे पास, गजब गजब का शागिर्द, बहुत अजीब बहुत नमूना शागिर्द मिला है मुझे। बोलता रजा साहब अगर बुरा ना मान तो मैं एक बात बोलूं। बोला जी सर। जी मौलवी साहब बोलिए। बोला कि हाँ देख लो, वादे से तुम फिरना मत। बोला नहीं 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 फिरूंगा, चलो ठीक है। बोला कि कल से तुम मेरे यहाँ ना आना। सन्नाटा हो गया। बोला कल से तुम मेरे यहाँ ना आना, उसका तो होश ही मतलब हवास ही गुम हो गया, ये क्या बोल दिया। बोला कि तुम सबसे पहले ना नजम क्या है, नसर क्या है, उसके बारे में जान लो। बोलता कि रजा साहब मैं आपको, भाई ऐसा नहीं कि मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन नजम क्या है, नसर क्या है, उसके बारे में बगल में एक जगह पे आता है काली जान के यहाँ, तालीम हासिल कर लो 10-15 दिन, वहां पता चल जाए कि नजम क्या होता है और नसर क्या होता है, ठीक है ना। तो बताता है कि एक यहाँ पे लाइन बताया गया कि ये बोलते हैं क्या, मिर्जा नज़ीर अहमद साहब बोलते हैं कि भाई मुझसे तो शेरों के गली में शेरों के गले पर छुरी फिरते देखा नहीं जाता है। यानी कि शेर अगर को शेर को नसर करके पढ़ रहा है ना कोई, हमसे देखा नहीं जाता, फिर तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा वो, ठीक है ना। फिर बोला गया क्या, मुतनबी को क्या खबर थी कि बताशों की गली में, ये शेर था, ये शेर था। मुतनबी एक अरबी शायर को बोलते हैं, ठीक है ना। सवाल बनता कि किसका शायर, किसका शेर पढ़ रहे थे मिस्टर रजा, किसका शेर पढ़ रहे थे जो नज़ीर अहमद साहब जो है गुस्सा हो गए, ठीक है ना। तो मुतनबी एक अरबी के शायर थे, मुतनबी को क्या खबर थी कि पतासों की गली में नज़ीर अहमद के कमरे में उसके सारा मौलवी रजा साहब की इस तरह हलाल कर देंगे, मतलब उनका जो नसर नजम को इस तरह से हलाल कर देंगे रजा साहब, है ना, क्या खबर थी। तो मतलब ये शेर पढ़ रहे थे ना वो, उसको नसर की तरह पढ़ दिए थे, उनको फिर ये गुस्सा आ गया। तो उनको ये मशवरा दिया, सलाह दिया, बेचारा जल्दी हड़बड़ हड़बड़ जल्दी सबक सुनाया, सब लोग फिर चला गए घर। उस दिन से तो शक्ल भी दिखाने के लिए नहीं आया मिस्टर रजा। अब बोलता है कि ना ये तो आपने सुन लिया है, उस दिन से गायब ही हो गया मिस्टर रजा, है ना, एक ही दिन में मिस्टर रजा खलास, है ना। उसके बाद बोलता है कि अब तो आप इसके बारे में सुन लिया, अब मेरे बारे में सुनिए मिर्जा फजलुल्लाह भाई, बोलता मेरे बारे में सुनिए। बोलता क्या, मैं थोड़ा सा सर्फ नहू में कमजोर था। सर्फ नहू बोलते हैं कवायद को बोलते हैं, कवायद में जो आता ना बहुत सारा पार्ट आता सर्फ नहू, सर्फ नहू में बहुत कमजोर था। लेकिन बोलता कमजोर क्यों ना होता, अभी कई दिन हुआ था गए हुए, अभी तो गए ही थे, कुछ दिन हुआ ही, सर्फ नहू कैसे मजबूत हो जाता, है ना। बोलता एराब हमेशा हम गलती करते थे, एराब में यानी कि जबर को जेर पढ़ देना, जैसे यहाँ पे मैंने बोला कभी इसको इली में पढ़ना तो कोई अलम पढ़ दे रहा कभी, तो ये एराब की समझना है कि कहाँ पे एराब कौन सा लगाना है, ठीक है ना। एराब की गलती बहुत होता था, ठीक है ना, ये तो हो गया इनकी गलती। बोलता कि नसर को संभाल लेता था, नसर में ठीक ठाक था, लेकिन नजम को थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होती थी, ठीक है ना। उसके बाद बोलता कि था कि मैं शेर वगैरह भी कहता था, है ना, शेर मैं अपने जो भी कहता था शेर कहता था, दूसरों को भी शेर कहता था, लेकिन एकदम संभल संभल के कहता था। कहीं अगर शेर को जहाँ नसर को शेर पे अगर गले पे शेर के गले पे अगर छुरी चल गई ना तो फिर मेरा भी वही हाल होगा, ठीक है ना। बोलता हम शेर को संभाल लेते थे, थोड़ी दिक्कत होती थी ओके कर लेते थे। मियाँ दानी के बारे में बोलता, मियाँ दानी जस्ट इसका उल्टा था, मेरा उल्टा, मेरा बरक्स था। ये क्या करते थे, मियाँ दानी का ना एराब ठीक ठाक था,
है ना, एराब आ जाता, वो एराब की गलती ना करते थे मगर नसर शेर को नसर कर देते थे भाई साहब, वो रजा की तरह शेर को नसर पढ़ देते थे, नसर की तरह कर देते थे, ये गलतियां थे। फिर भी जैसे तैसे चल रहा था, है ना, बहुत उसको ना जो मौलवी साहब थे, जो मास्टर साहब थे, उसको बहुत मतलब ये आजीज हो रहे थे, मतलब उसको बहुत ही सिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये गलतियां हो रही थी। ओके, आगे बोलता कि एक दिन की बात आया, अब यहाँ से इंटरेस्टेड है, एक दिन की बात आया, तो जो मिर्जा फरतुल्ला बैग का पढ़ने का वक्त आया, देखा रहे बैठा हुआ है, इसको पढ़ने के लिए बोला, एक शेर पढ़ा इन्होंने, मतलब सबक सुना रहा, शेर पढ़ा, तो शेर में ना इनको ना कहीं इराब में ना, मतलब इराब को कहीं से कहां से कहां उठा के कर दिया, पढ़ने का कहा तो पढ़ दिया क्या, ठीक है ना, इराब को उठा के जहां तक कर दिया। अब यहां पे मौलवी साहब ने पूछा क्या पढ़ा, फिर से पढ़ो, बोला तो फिर उनको लगा कि मैं इराब को इधर कर दिया, अब इल्म को मैं अलम पढ़ दूं, है ना, फिर बोला तुमने फिर गलती किया, फिर उन्होंने फिर इराब चेंज कर दिया। भाई साहब ये तो हो गया, फिर गुस्सा गए ना मौलवी नजीर अहमद साहब, जो गुस्सा हो गए, बोले कि अब उसको जो मियादानी थे ना, बोले मियादानी तुम पढ़ो यार, तुम पढ़ो, इससे संभल नहीं रहा। अब ये नजम पढ़ रहे थे ना, नजम पढ़ रहे थे, और मियादानी तो पता ही आपको, नजम को नसर कर रहे थे, उन्होंने तो भाई साहब जो किया ना, उनको सब कुछ कर दिया, है ना, मतलब ना नजम को नसर कर दिया। अब तो भाई साहब मत पूछो कि मौलवी साहब का 100 डिग्री पारा चढ़ गया, मतलब नजम के गले पे जो छुरी चला दिया, कौन, मियादानी, जो पारा गर्म हुआ 100 डिग्री का, इन्होंने किताब उठाया फेंक दिया, जो कमरे के बाहर दलान होता है उसके बाद सहन होता है, फेंक दिया कसके, जाओ यहाँ से, हमको नहीं पढ़ना है, पढ़ाना है तुमको। बोलते हैं यहाँ पे एक लाइन है, ना तुम मुझसे पढ़ने के काबिल हो, ना मैं तुम्हें पढ़ाने के लायक हूँ, मेरी तरफ बोलता कि दानी मेरी तरफ देखा और बोला चलो भाई चलो। तो मिर्जा फतुल्ला बैग बोलता कि मैं उसको जानों को दबाए बैठाए रखा। जाहिर सी बात है, दो बंदा पढ़ रहा हूँ, एक मास्टर गुस्सा जाए तो भाग जाता ना कोई, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मियादानी थोड़ा कमजोर पड़ता है, लेकिन नसर मिर्जा फरतुल्ला बैग की वजह से वो रुके हुए हैं, दबाए, रुको यार, मतलब इशारा किया उसको रुको, और मास्टर साहब तो एकदम गरज रहे थे, जाओ यहाँ से, हमको तुमको नहीं पढ़ाना है, तुम पढ़ने के लायक हो, ना मैं तुम्हें पढ़ाने के लायक हो, तुम जाओ यहाँ से। उसके बाद ना वो गए नहीं, मतलब टस से मस नहीं हुआ, उठने का इरादा किया था मियादानी, लेकिन टस से मस नहीं, उसको बैठाए रखा, ठीक है ना। अब ये सब जो ना देख रहे थे, कौन, मास्टर साहब, मौलवी साहब, सब देख रहे थे। अब देखा ये बच्चा दोनों टस से मस नहीं हो रहा, तो बोलता है तुम लोग जाते क्यों नहीं हो, जाओ यहाँ से। तो बोलता क्या, जब तक हमको कोई धक्के मार के नहीं बाहर करेगा ना, हम जाएंगे नहीं, और अगर हाँ बाहर कर भी देगा धक्का मार के, फिर चले आएंगे हम बाहर, फिर अंदर चलाएंगे। मौलवी साहब सुना ये बेहयाही सुना तो थोड़ा सा उसको नरम हुआ, ये कैसा बच्चा है भाई, ये बोलता कि धक्का मार के भगा दीजिएगा तब भी हम चलाएंगे, है ना। बोलता अच्छा भाई ठीक है, तुम ना जाओ लेकिन हम तुमको कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे। बोलता ठीक है मत पढ़ाइए, लेकिन हम बिना पढ़े यहाँ से जाएंगे नहीं, बिना पढ़े यहाँ से न टले हैं न टलेंगे। बोलता अच्छा बेटा इस वक्त मेरी तबीयत खराब है, तुम चले जाओ। कौन बोलता है, ये बोलते हैं नजीर अहमद, बेटा इस वक्त मेरी तबीयत खराब है, तुम चले जाओ, गुस्सा थे ना उस वक्त, है ना, चले जाओ। बोला ना हम तो नहीं जाएंगे, है ना, मैंने पकड़ कर उनको, वो जो मियादानी जाने के लिए तैयार था लेकिन उसको पकड़ कर बैठाया हुआ था कि बैठो यार बैठो, मतलब उसको ना इशारा करके बैठा रहे थे। फिर मौलवी बोलता है कि मौलवी साहब पढ़ेंगे तो आज सिर्फ है आफिस से पढ़ेंगे, अब आज ही पढ़ेंगे और इसी वक्त पढ़ेंगे, पढ़ाना है तो पढ़ाइए वरना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कौन बोलता है, ये मिर्जा फरतुल्ला बैग बोलते हैं, ओके, अपने मौलवी साहब को। आखिरकार इतना सारा कुछ ड्रामा हुआ तो नजीर अहमद साहब जो है नरम हुए, बोलता है ठीक है यार, मैं हार गया तुम जीत गए। बोलता क्या, खुदा महफूज रखें तुम जैसे शागिर्द को, है ना। नजीर अहमद साहब दुआ के देते हैं मिर्जा फतुल्ला बैग को कि खुदा महफूज रखे तुम जैसे शागिर्द को, किसी के तुम जैसे शागिर्द किसी के ना होंगे, किसी के ना होंगे। सही बात है यार, ऐसा अगर आजकल के ज़माना में अगर ऐसा किया जाए तो 10 ठो गाली दे के भाग जाएगा स्टूडेंट, 10 ठो गाली दे के भाग जाएगा। शागिर्द हो तो ऐसा हो, अब बोलता शागिर्द का ये तो उस्तादों के उस्ताद निकल गए, है ना, शागिर्द का ये तो उस्तादों के उस्ताद निकल गए। आगे बोलता है अच्छा भाई ठीक है मैं हारा तुम ही जाओ, सबक वगैरह सुना लो फिर चले जाना, ठीक है ना। फिर बोलता ठीक है देखते हैं छुटकारा कब होता है। तो इस तरह से सबक वगैरह सुनाया, बोलते हैं ये नजीर अहमद साहब बोलते हैं कि इस दिन अगर जिस दिन मैं तुमको डांटा था ना, किताब फेंका था मैंने, उस दिन अगर तुम चले जाते ना तो मेरे घर में घुसना नसीब नहीं होता तुमको, है ना। ये बोलता है ना ये तुम्हारा शौक को आजमा रहा था, मैं तुम्हारे शौक को आजमा रहा था कि तुम पढ़ने में, तुम्हारा पढ़ने का शौक कितना है,
कितनी दिलचस्पी पढ़ाई करने में। कौन बोलते हैं? नजीर अहमद साहब बोलते हैं इसको, फरतुल्ला बैको की। अगर उस दिन भाग जाते ना, जिस दिन मैं किताब फेंकी थी मैंने, अगर उस दिन भाग जाता तो मेरे घर में घुसने का तुम्हें नसीब नहीं होता। मैं तो शौक को आजमा रहा था, तुम्हारे शौक को आजमा रहा था, मगर तुम तो मुझे ही आजमा डाला, मुझे ही आजमा डाला, है ना। खुदा ऐसे शागिर्द सबको दे, सबको नसीब करे। बोलता बेटा ये बेहयाई नहीं है, इसको शौक बोलते हैं, है ना मियाँ, इसको शौक बोलते हैं। और बोलता है जिसको इल्म का चस्का लग जाए ना, जिसको पढ़ने का चस्का, जिसको इल्म का चस्का लग जाए, वो बुरी भली सब सुनता है, कभी डांट भी सुनता है, कभी मार भी खाता है, कभी प्यार से भी बात करता है ना, अच्छी अच्छा बुरा सब सुनता है, लेकिन पढ़ने वाला डटा रहता है और पढ़ता है। जो बदशौक होता है, जिसको पढ़ने का शौक नहीं है, जैसे मिस्टर रजा है ना, उसको तो मारा भी नहीं, डांटा भी नहीं, समझाया था, है ना, लेकिन उतने में बुरा लग गया। और सोचो अगर मिस्टर रजा यहाँ पे होता तो क्या करता, फिर तो मेरे ख्याल से 10-15 गाली देकर भागता हो, है ना। तो बोलता है क्या, बदशौक भाग जो निकलते हैं और शौकीन उस्ताद को दबा लेते हैं। तो बहुत अच्छी कहानी यहाँ पे देखने को मिला था। मतलब इससे हमको एक तो पता चलता है कि हमको शागिर्द उस्ताद को कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, और दूसरी बात है कि अगर शागिर्द पढ़ने वाला हो, बच्चा पढ़ने वाला हो, तो उस्ताद की हर बात को सुनेगा, उसकी डांट को भी मंजूर करेगा, उसको मार भी खाएगा उससे, है ना, उससे बुरी भली सभी बातें सुनेगा, सभी को सहेगा, सभी को बर्दाश्त करेगा, है ना। तो जाके जो है ना, बोलता है लोहा तपता कैसे, लोहा जब तपता है तभी तो उससे औजार बनाए जाते हैं, बिना तपे तो लोहा औजार नहीं बनता ना। आज देखो मियादानी मिर्ज़ा फतुल्ला बैग शागिर्द होते होते अब उस्तादों के उस्ताद बन गए हैं और इतने बड़े यहाँ पे मुकाम हासिल कर लिए। तो ये रहा इनका ये कहानी, पूरा खाका। तो कैसी लगी आपको ये खाका निगार सुनने में? अब इससे जितने सारे ऑब्जेक्टिव आपकी किताब में सब बन जाएगा आराम से। ओके, मैं कोशिश करूंगा इसका ऑब्जेक्टिव मैं करवाने के लिए। नीचे कमेंट आप लोग करेंगे क्या इसका ऑब्जेक्टिव मैं करवाऊँ, तो नीचे कमेंट करेंगे। ओके, वो भी मैं करवा दूंगा। ओके, और वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।